Hi, good morning, dear students. Welcome back to my YouTube channel, Glossary of Biology by Virendra Sir. Guys, let's continue our previous topic, that is Human Digestive System, lecture number 2. In the previous lecture, we discussed about basics of human digestion with some basic defined, for example, ingestion, egestion, assimilation, absorption. All those defined we discussed in the previous lecture with claims of digestive system, diseases of digestive system. In this lecture, we discuss in detail about alimentary canal. Human digestive system consists of major canal that is known as alimentary canal. What is mean by alimentary canal? From which part it starts and at which part it ends? First, we know that alimentary canal is a long canal which runs from mouth, that is start from mouth and ends to anus, which is the external major canal for release of fecal matter from the human body. What is mean by alimentary canal? Alimentary canal is a long canal which start from mouth and ends at anus. The process of ingestion takes place with the help of mouth. Major बात कर रहे हम हमारे digestive system को previous lecture में basic defined दे चुके हैं. ये lecture में हम पूरा discuss करने वाले हैं mouth से anus तक के जो भी parts आते हैं. सबसे पहले हम start करते हैं mouth. Mouth के बाद में हमारे पास में teeth, tooth, then esophagus, ये सब हमें देखना है. देन उसी के बाद में सेकंड आता है हमारा स्टमक, विच इज अ जे शेप्ड ऑर्गन इन द बॉडी. देन उसी के बाद में सेकंड के बाद में थर्ड हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा एनस. तो गाइस हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. मेजर ने एक और बात बताया आपको, एनसीईआरटी नीट एज वेल एज स्टेट बोर्ड, स्टेट और सीबीएसई दोनों में कॉमन टॉपिक है. सिर्फ नाम चेंज किया गया है, ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर नंबर 14 एज पर स्टेट बुक सिलेबस. और वही अगर मैं बात कर रहा हूँ NCERT का चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये हमारा 16th टॉपिक है. दोनों सिमिलर है. जो भी वर्ड मेजर हमारे पास में रिपीट होने वाले हैं वो भी देखने वाले हैं. और दूसरा एक और है, कोई जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो स्टेट बोर्ड के बुक में नहीं है लेकिन हम वो भी कवर करने वाले हैं ये चैप्टर में. मीन्स आपका स्टेट एज वेल एज नीट अगर आप दोनों आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो दोनों के लिए टॉपिक कॉमन है, एक ही साल आपके दोनों प्रिपेयर हो सकते हैं. तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला हमारा जो एलिमेंट्री कैनल, इसके बारे में हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखा है गाइस वो प्लीज वो देखिए, क्योंकि वो लेक्चर के हिसाब से आपको पूरा प्रोसेस समझेगा कि हमें पूरा लेक्चर में पूरे टॉपिक में क्या एग्जैक्ट पढ़ना है. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट, दैट इज माउथ. हाँ डियर स्टूडेंट, सो फर्स्ट हमारे पास में माउथ है. माउथ को बोला जाता है ओरल कैविटी, विच इज ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी. अब हमारा जो माउथ है गाइस यहाँ से फूड इंटर होता है और ऑल्सो इंजेशन की प्रोसेस होती है. तो सबसे पहले अगर बात कर रहा हूं मैं तो हमारे पास में माउथ की जो वॉल है और बाउंड्री है वो किससे कवर्ड है, तो ओरल और बकल कैविटी इज बाउंडेड बाय, हमारी बाउंड्री किससे, हमारे फ्लैशी लिप्स से. तो फर्स्ट आपको लाइन दिख रही है, ओरल कैविटी और बकल कैविटी इज बाउंडेड बाय फ्लैशी लिप्स. देन उसी के बाद में माउथ में हमें पता है तीन पार्ट बोल सकते हैं आप, अपर पार्ट, देन मिडल पार्ट विच इज नोन एज टंग, और लोअर पार्ट जिसको बोलेंगे आप बेसल पार्ट. तो अपर, मिडल, टंग और उसी के बाद नीचे वाला बेसल. तो तीन इसमें डिवाइड कर दिया आपने. फर्स्ट साइड वॉल जो है हमारे पास में बाहर वाले जो साइड वॉल जिसको चिक्स बोल रहे हैं, देन उसी के बाद में अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. अपर पार्ट में आपको याद करना है अपर वाले को रूफ बोला जाता है, जिसका आपको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है पैलेट. तो आपको याद रखना है माउथ का जो अपर वाला पार्ट है हार्ड, उसको बोला जाता है पैलेट. दूसरा आपको याद रखना है उसी के बाद में जो फ्लोर है, फ्लोर किसके थ्रू है, टंग के थ्रू. ये दो पॉइंट आपको याद रहेगा. और सबसे मेजर पॉइंट सलाइवरिया सीक्रीशन होता है, मतलब सलाइवरी ग्लैंड ओपन कहां पे होता है, माउथ पे. ये भी एक पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है. देन इसी के बाद हमारा सेकंड टॉपिक है जिसको बोला गया टीथ. सभी को पता है हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने टीथ प्रेजेंट है, 32 टीथ.
ह्यूमन में एडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ प्रेजेंट है। उसी के बाद में ह्यूमन में 3 टाइप का डेंटेशन सिस्टम रहता है और 3 टाइप्स ऑफ टीथ बोल सकते हैं सिंपल। फर्स्ट इज थीकोडोंट, सेकेंड वन इज नोन एज डायकोडोंट एंड लास्ट वन इज हेटेरोडोंट। तो फर्स्ट है हमारे पास में थीकोडोंट, सेकेंड वन इज नोन एज डायकोडोंट एंड थर्ड वन इज हेटेरोडोंट। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं थीकोडोंट मींस क्या। तो सबसे पहले अगर मैं थीकोडोंट की अगर बात कर रहा हूं तो थीकोडोंट मींस क्या, ईच टूथ इज फिक्स्ड इन अ सेपरेट सॉकेट प्रेजेंट इन जॉ बोन। तो हमारे पास में हमारी जॉ बोन प्रेजेंट है जहां पे टूथ है, ये सभी एक सॉकेट के अंदर फिक्स है। अगर मैं एक टीथ की अगर बात कर रहा हूं ये सॉकेट में फिक्स है, वो सॉकेट को बोला जाता है थीकोडोंट। फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए हमारे पास में हमारा जॉ बोन का स्ट्रक्चर, ये एक सॉकेट में एक टीथ, सेकंड इसमें एक टीथ, ये जो सॉकेट है सॉकेट ऑफ जो दिट इज नोन एज थीकोडोंट। ये हमारे पास में फर्स्ट डिफाइन हो गया, ईच टूथ इज फिक्स्ड इन अ सेपरेट, हर एक सेपरेट सॉकेट में प्रेजेंट है इन जॉ बोन बाय, वो जो कनेक्शन रहता है उसको बोला जाता है फिक्स, जो है अटैच जहां पे है वो कनेक्शन के लिए आपको याद रखना है कौन से टाइप के ज्वाइंट है, वो गैम फॉसल्स टाइप ऑफ जॉइंट है। आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, देख लीजिए आप कहां पे सिचुएटेड है एग्जैक्ट, तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन। इसी के अंदर सेकंड डायफाइडोंट, डाय मींस दो सेट, तो यहां पे हमारे ह्यूमन बॉडी के हिसाब से दो सेट के डाइजेशन सिस्टम होता है, एक जो जिसको हम बोलते हैं दूध वाले दांत और देन वो डेवलप होकर मैच्योर होते हैं, तो ये दो टाइप के, एक टेम्पररी टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ, तो ये दो टाइप का है। इसी के अंदर लास्ट थर्ड है हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट मींस क्या, दो या दो से ज्यादा। तो हमारे ह्यूमन एडल्ट में या तो ह्यूमन बॉडी में 4 टाइप ऑफ डेंटिशन है, इसमें तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है, और इसमें आपका फर्स्ट टाइप है इंसीजर, सेकेंड है कैनाइन, थर्ड है प्री मोलर और लास्ट है मोलर। तो फिर से हम बात कर रहे हैं हम हमारी जॉ की, तो हमारी जॉ बोन में यहाँ पे जो हमारा हाफ है, हाफ ऑफ द जॉ बोन, यहाँ पे अच्छे से वर्ड पढ़ो, ईच हाफ ऑफ ईच जॉ हैज, मतलब हमारी जॉ का आधा हिस्सा, हमारे जॉ का आधा हिस्सा में जो हमारे स्टार्टिंग के दो है इसको बोला जाता है इनसीजर, तो दो इनसीजर, फिर देन एक कैनाइंस, उसी के अंदर दो प्री मोलर 4 और 5 और एम मींस क्या 6, 7, 8, ये क्या हो गया मोलर, मतलब हमारे जॉ का आधे हिस्से में ये 8, देन इसी के बाद में फिर से ये दो इनसीजर, ये एक कैनाइन, देन 4, 5 को हम बोलेंगे हमारा प्री मोलर, 5, 6, 7 जो है हमारे पास 5 हो गया, उसके अंदर 6, 7, 8 जो हो गया मोलर, तो यहाँ के 8, ये हमारा एक अपर साइड का, अपर साइड का टोटल कितना हो गया 8 + 8, 16, उसी के अंदर नीचे वाला भी कितना 16, तो कितने हो गए ह्यूमन बॉडी में 8 × 2 तो 16 + 16 आप देखिए तो हमारे बॉडी में कितने टीथ है 32 टीथ है। और इसका फॉर्मूला अच्छे से नोट डाउन करेंगे, डेंटिशन फॉर्मूला 2, 1, 2, 3 / 2 / 2, ये ऐसा क्यों बोला गया है क्योंकि हमें पता है कि एक के नीचे एक सिचुएटेड है, देन इंसीजर 2 है, इंसीजर का 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 एंड मोलर 3, ये आपका डेंटिशन फॉर्मूला है। ये गाइस बहुत बार आया है पेपर में पॉइंट वाइज, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, डायग्रामेटिकली अच्छे से देख लो पूरा का पूरा, कहां पे गम्स प्रेजेंट है, कहां पे रूट कैनल प्रेजेंट है, कहां पे हेटेरोडोंट है, कहां पे थीकोडोंट है, ये पूरा अच्छे से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन जो दिया अच्छे से आप स्टडी करके देख लो फटाफट गाइस। स्टूडेंट्स एक मेजर पॉइंट अपना छोड़ दिया, डायग्राम में दो टाइप बताया मैंने आपको, टेम्पररी और परमानेंट, तो टेम्पररी वाले का अल्टरनेट जो नेम है ये आ सकता है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सीटी या तो एंट्रेंस, डेसिडियस टाइप बोला जाता है और परमानेंट वाले को एडल्ट टाइप बोला जाता है, और ये जो फॉर्मूला है डेंटिशन फॉर्मूला इट इज ऑल्सो नोन एज डेंटल फॉर्मूला। बाकी हम हमारा सेकंड टॉपिक हम कवर करते फटाफट। हाँ स्टूडेंट, तो हमारे पास में नेक्स्ट हमारा डायग्राम दिख रहा है टूथ एनाटॉमी, बहुत अच्छे से वो बहुत इजी है टॉपिक, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक एक चीज आपको एग्जैक्ट याद रखना है कहाँ पे क्या सिचुएटेड है। सबसे पहले मैं अगर बात कर रहा हूँ तो टूथ एनाटॉमी दो इसमें डिवाइडेड है, एक क्राउन दूसरा रूट, दो पार्ट दिख रहे हैं क्राउन एंड रूट। क्राउन जो पार्ट है वो हमारा जो आगे वाला जो व्हाइट सर्फेस रहता है हार्ड वाला, उसको क्राउन,
और अंदर वाला जो स्टम है जो अंदर में रहेगा होल्ड करके उसको बुलाता है रूट। जैसे प्लांट में भी एग्जांपल लेंगे रूट नीचे क्राउन ऊपर, लेकिन हमारे यहाँ बात कर रहे हैं आप अपर वाले दांत मत देखो, नीचे वाले टीथ देखो। नीचे वाले में ये नीचे का पार्ट जो रहेगा वो किसका रहेगा टूथ का, और ये वाला जो बाहर का पार्ट रहेगा ये किसका रहेगा क्राउन का। तो क्राउन हार्ड रहता है तो रूट जो है सॉफ्ट और उसके अंदर बहुत सारी कैविटीज रहती है। तो डिटेल में देखते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे स्ट्रक्चर की। गाइस सबसे जो बेसिक है ना, सबसे पहले आपको याद रहे ये अंदर का जो ब्लू कलर है इतना ही वाला, ये ब्लू वाला इसको बुला रहे हैं डेंडाइन। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर ये है डेंडाइन। डेंडाइन जो है सबसे बेसिक है जिसके कारण ही बाकी सब बन चुका है। डेंडाइन के ऊपर में ये जो ऊपर वाली जो कवरिंग है डेंडाइन के हाड़ वाली उसको बोला जाता है इनेमल। क्या बोला जाता है इनेमल। इनेमल में सबसे बाहर वाला लेयर जो इसको बोला जाता है क्राउन। क्या बोला जाता है क्राउन, जो मेजर पार्ट है। उसी के बाद में क्राउन का ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो बराबर क्राउन से, लेकिन उसी के अंदर देखो डॉटेड जो लाइन आई है ये वाली इसको बोला जाता है गम। क्या बोला जाता है इसको गम, जम भी बोलते हैं गम बोला जाता है अच्छे से, इसको बोला जाता है गम। मींस डॉटेड लाइन सिर्फ कहां तक की क्राउन के नीचे, मतलब कहां तक की सिर्फ रूट में ही गम है, कहां पे गम नहीं है क्राउन में गम नहीं है। तो इसी के बाद में अंदर में डेंटाइन जो हमारा दांत है उसको अंदर में होल्ड करने के लिए कभी देखे होंगे बचपन में दांत गिरते थे तो खून निकलता था और वो हिलते थे, मतलब किसी से होल्ड करके रखते थे। अरे होल्ड करने के लिए कैविटी थी और एक स्ट्रक्चर था जिसको बोला जाता है पल्प। पल्प अंदर तक के उसको मसूड़े जिसको बोलते हैं अंदर तक जो पकड़ के रखते हैं, और किसके थ्रू, ये नर्व्स के थ्रू और रूट कैनल के थ्रू अंदर से। तो डायग्रामेटिकली सबसे पहले हमारे पास में आपको बता दूं मैं हमारा क्या है पल्प। पल्प जो होल्ड करके रखते हैं पूरे स्ट्रक्चर को, पल्प की कैविटी को आपने बोल दिया आपने पल्प कैविटी, और उसके अंदर ये जो कवरिंग है इसको बोले आपने डेंटाइन। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, पल्प कैविटी को होल्ड कवर करके बोले डेंटाइन, डेंटाइन को कवर करके इनेमल, इनेमल को पूरा कवर करके क्राउन, और उसके बाद में क्राउन ऊपर वाले को छोड़ के जो नीचे में कवरिंग है उसको बोला गया गम। तो ये हमारा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया टूथ एनाटॉमी। किसी को भी अभी कोई भी क्लैरिफाई अगर वर्ड नहीं हुआ तो आप अगर ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ यहाँ पे आपको क्लियरली करो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्राउन मींस क्या। तो क्राउन मीन क्या है, द पोर्शन दैट प्रोजेक्ट अबाउट द गम। अरे सही तो बात है, ऐसा पोर्शन जो गम के ऊपर में प्रोजेक्ट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। गम सिर्फ कहां तक के, रूट तक के, उसके ऊपर वाले पार्ट में गम नहीं प्रेजेंट है। मींस क्या हमारे डिफाइंड, द पोर्शन दैट प्रोजेक्ट अबाउट द गम इज नोन एज क्राउन। फिर रूट की डिफाइन देख लेते हैं, रूट मींस क्या, इट इज मेड अप ऑफ 2 to 3 प्रोजेक्शन विच आर इम्बेडेड इन गम। अब आप देखो ये रूट, ये जो नीचे वाले जो सिस्टम है रूट, ये रूट क्या है गम के अंदर के, गम के अंदर का पार्ट है जिसके अंदर में क्या प्रेजेंट है डेंटाइन। पल्प, रूट नर्व और रूट कैनल ये सब क्या है, 2 to 3 प्रोजेक्शन इम्बेडेड है जिसके अंदर में, गम के अंदर में, जिसको बोला गया रूट। यहां तक के हमारे क्राउन और रूट के बारे में। देन हम बात कर लेते हैं क्राउन जो है, क्राउन कवर्ड किसके कवरिंग से है, क्राउन जो कवर्ड है, क्राउन कवर्ड बाय हार्डेस्ट सब्सटेंस व्हिच इज नोन एज इनेमल, व्हिच इज नोन एज इनेमल। जो हमारा क्राउन है बाहर का, उसके ऊपर जो कवरिंग है उसको बोला गया इनेमल, व्हिच इज मेड अप ऑफ, इनेमल इज मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है इनेमल, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3। यहां तक हमारे पास में पूरा का पूरा एनाटॉमी होगा हमारी। इसी के अंदर सबसे बेसिक स्ट्रक्चर किसका याद रखेंगे आप, डेंटाइन। डेंटाइन के अंदर कनेक्टिव टिश्यू है, इसी के अंदर डेंटाइन के अंदर में क्या है पल्प कैविटी, जिसके अंदर टिश्यू पल्प प्रेजेंट रहता है, टिश्यू पल्प जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसको बोला जाता है टिश्यू पल्प और पल्प टिश्यू आप बोल सकते हैं। इसी के अंदर पल्प कैविटी के पास में रूट कैनल है जो अंदर से नर्व्स वगैरह के साथ में कनेक्टेड है। इसके बाद में पूरी एनाटॉमी को क्या बोला जाता है स्टडी, अगर अरेंजमेंट है हमारे टीथ वगैरह तो उसको बोला जाता है डेंटेशन। क्या बोला जाता है गाइस, डेंटेशन। एक लास्ट वर्ड हमारे एनसीईआरटी पर्पस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, गम के आसपास में आपको छोटे छोटे से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये बोन है। क्या है ये बोन है, बोन का आपको नाम दिख रहा है, आपको टिक करके रखना है, नाम को अच्छे से टिक करके रखो। देन इसी के बाद में हम डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड के बाद में, हमने फर्स्ट देखा माउथ, सेकंड हमने देखा टीथ, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टंग के बारे में। हाँ स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक है टंग, उसके पहले एक छोटा सा वर्ड छूट गया था, मैंने बोन का आपका नाम जो है वो देख लीजिए फटाफट,
जो हमारे पास में बोन प्रेजेंट है टूथ एनाटॉमी के जस्ट आसपास में, वो बोन को बोला जाता है सीमेंटम। क्या बोला जाता है? सीमेंटम। अच्छे से बढ़ याद रखो, सीमेंटम। नेक्स्ट इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है टंग। तो टंग के लिए तो सबसे इजी है, टंग क्या है? फ्लैशी ऑर्गन है, मूवेबल है, मूव कर सकता है इधर से उधर उसको। देन इसी के अंदर ऐसा नहीं ये निकाल के, ऐसा नहीं मतलब अंदर की ओरल कैविटी में आप मूव कर सकते हैं। मस्कुलर फ्लैशी रफ ट्राइंगुलर इन शेप है। इसी के आपके बहुत इजी और अच्छा पॉइंट देखो, ये आपके स्टेट बोर्ड के हिसाब से नहीं है, ये पॉइंट एनसीईआरटी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। वहां पे सिर्फ उन्होंने स्टेट बोर्ड में लिखा है अटैच रहता है, लेकिन किससे अटैच रहता है उसको बोला क्या कहते हैं बच्चे देखो। टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। अरे अटैच रहता है टंग, लेकिन वो जो अटैचमेंट रहता है टंग का उसको बोला जाता है प्रीन्यूलम। क्या बोला जाता है? प्रीन्यूलम। प्रीन्यूलम आप एकदम अच्छे से याद रखना, हमारे पास में ओरल कैविटी में टंग है जो फ्रीली मूव होती है, फ्रीली मूवेबल। तो फ्रीली मूवेबल क्यों होती है याद रखेंगे आप, कुछ तो भी अटैच रहता है, कुछ तो भी रहता है, तो ये क्या रहता है? फ्री रहता है और न्यूलम, प्रीन्यूलम, प्रीन्यूलम रहता है अटैच। इसी के बाद में नेक्स्ट आपको याद रहे हमारे टंग पे क्या रहते हैं? टेस्ट बड। तो अपर सरफेस ऑफ टंग हैज प्रोजेक्शन विच इज नोन एज पेपिले, और पेपिले के पास में क्या रहते हैं? टेस्ट बड। तो पेपिले मींस क्या? जो स्मॉल प्रोजेक्शन टंग्स पे रहते हैं जिसके पास में क्या बियर्स करते हैं? टेस्ट बड, जिसके कारण हमें टेस्ट आता है। ये वर्ड गाइस बहुत अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमेंटम भी याद रखो, फ्रीनम भी याद रखो, दो पॉइंट बहुत ज्यादा काम के आपके। इसी के अंदर नेक्स्ट हमें फोर्थ हमारा पार्ट डिस्कस करना है फेरिक्स, तो वो देखते हैं। हाँ स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है हमारे पास में फेरिक्स। तो फेरिक्स की अगर बात कर रहा हूँ मैं, तो सीबीएसई वाले बच्चे भी ये रेफर करेंगे स्टेट का बुक, क्योंकि वहां पे प्रॉपर वे से स्टेट के बुक में ऐसा क्लियर करके दिया है और सीबीएसई के बुक में वही जंबल करके दिया हुआ है। तो गाइस ये रेफर करो, सिर्फ एक बार वहां से लुक कर लेंगे, ओवर लुकिंग कर लेंगे। हाँ, तो सबसे पहले फेरिक्स की अगर बात कर रहा हूँ, तो इट इज अ कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। सबसे काम का पॉइंट है फूड और एयर के लिए कॉमन पाथवे है, क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ फेरिंग्स ओपन कहाँ पे होने वाला है? बाद में ईसोफेगस, और इसी के बाद में ईसोफेगस में एक और पार्ट रहता है ट्रकिया, जो ओपन कहाँ पे होता है? ब्रोंकियोलस, लंग्स में। एक तरफ क्या होता है? एक तरफ जा रहा है एयर, एक तरफ जा रहा है फूड। तो बहुत जबरदस्त है, अच्छे समझो ये, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ से अच्छे से डिटेल में देखो। एनसीईआरटी बुक में सिर्फ दो लाइन में इजी में निपटाया हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो अच्छे से। सबसे पहले आपने बता दिए ओरल कैविटी, जिसके पहले वाला पार्ट हमने पढ़े कौन सा वाला, जो हमारा टंग और टीथ, वो ओरल कैविटी। ओरल कैविटी और बकल कैविटी ओपन का होती शॉर्ट फेरिंग्स में। उसी के बाद फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथवे फॉर एंट्री ऑफ फूड एज वेल एज एयर। देन इसी के बाद में मैं बात कर रहा हूँ, तो फेरिंग्स के दो पार्ट है, एक अपर पार्ट है और दूसरा कौन सा होगा? लोअर पार्ट। अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स इज नोन एज ट्रकिया। अपर पार्ट को क्या बोला जाता है? ट्रकिया। तो लोअर पार्ट को भी कुछ तो बोला जाएगा, तो लोअर पार्ट को बोला जाता है ओरोफेरिंक्स। क्या बोला जाता है? ओरोफेरिंक्स। अपर पार्ट ऑफ फेरिंक्स इज नोन एज ट्रकिया एंड देन लोअर पार्ट इज ओरोफेरिंक्स। तो अपर पार्ट आपने बोला दिया उसको बोला ट्रकिया, और ट्रकिया अब आपको ये सपोज करके चलो पार्ट है फेरिंक्स का, ये अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट। अपर पार्ट को क्या बोल रहे हैं? ट्रकिया, एंड लोअर पार्ट को क्या बोल रहे हम? ओरोफेरिंक्स। तो इसी के बाद में बात कर रहा हूं फेरिंग्स ओपन हो रहा है ट्रकिया में कि ट्रकिया ओपन हो रहा है फेरिंग्स में, तो ये प्रॉपर वैसे बताते नहीं आता है, स्टेट की बुक से लिखा है फेरिंग्स ओपन इन ट्रकिया एंड ट्रकिया ओपन इन फेरिंग्स। तो देखा जाए तो दोनों एक ही बात है, ट्रकिया ओपन हो रहा है फेरिंग्स में या तो फेरिंग्स ओपन हो रहा है ट्रकिया में। तो ये जो ओपनिंग है, तो ओपनिंग का नाम याद रखो आप, क्या बोला जाए? ओपनिंग इज नोन एज ग्लॉटिस। क्या बोला जाए ओपनिंग को? ग्लॉटिस। कोई भी क्वेश्चन घुमा के है फेरिंग्स ओपन इन ट्रकिया बाय ओपनिंग ऑन इज ग्लॉटिस, या तो ट्रकिया ओपन इन फेरिंग्स इज नोन एज ग्लॉटिस। तो ये अच्छे से वर्ड याद रखो ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस एग्जैक्टली है क्या और इसको ऊपर में कवर क्या है? ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय कार्टिलेजिनस फ्लैप विच इज नोन एज ईपी ग्लॉटिस। अगर मैं बात कर रहा हूं इनका अगर कवरिंग है, ये अपने पास में अगर ओपनिंग है, तो ओपनिंग को क्या बोल रहा हूं मैं? ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस अगर ग्लॉटिस के ऊपर में गार्डेड वाला स्ट्रक्चर है किसका? ईपी ग्लॉटिस। किसका? ईपी ग्लॉटिस। बहुत जबरदस्त है, अच्छे से सुनो इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट। पहले आपने बता दिए जो ओपनिंग है उसको बोला क्या? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय, गार्डेड है कार्टिलेजिनस फ्लैप से, जिसको बोला गया है ईपी ग्लॉटिस। ईपी ग्लॉटिस क्लोजेस ड्यूरिंग
epiglottis क्लोज हो जाती है कब? स्वलोइंग एक्शन मतलब डी एग्लूटिनेशन. एग्लूटिनेशन मीन जो चर्न कर रहा है, मैस्टिकेशन हो रहा है, जो छोटे छोटे टुकड़े आ रहे हैं, टुकड़े आने के बाद में एग्लूटिनेशन मतलब एग्लूटिनेशन मतलब कैसा ही इतना पार्ट. डी एग्लूटिनेशन मीन इसका ब्रेक करना पार्ट को. तो चबाते समय पार्ट क्या हो रहे हैं? ब्रेक हो रहे हैं. ब्रेक होने के बाद में चबाने के अंदर नीचे आ रहे हैं. तो ये क्या करता है? जब डी एग्लूटिनेशन जो चबाया हुआ पार्ट नीचे उतरना चालू होता है तो एपिग्लॉटिस क्लोजेस ड्यूरिंग स्वलोइंग एक्शन और डी एग्लूटिनेशन एक्शन. जो क्या करता है? इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रकिया. अब मेरे को एक बात बताओ कि हमारे पास में अपर पार्ट यहां से रख करो इसको, ये हमारा ट्रकिया ठीक है, ये हमारा ट्रकिया और ये हमारा फेरिंक्स का पार्ट था, अपर वाला पार्ट. ये फेरिंक्स और ये ट्रकिया दोनों की ओपनिंग के लिए एक पार्ट दिया आपने, अपर पार्ट को यू भी बोला गया. अपर पार्ट को बोला गया आपने क्या? ट्रकिया. और इसी के अंदर जो ओपनिंग है ओपनिंग को बोले थे ग्लॉटिस ठीक है. अभी क्या हो रहा है? जब फूड अंदर आ रहा है फूड तो फेरिंक्स के अंदर ही आएगा, तो ये क्या कर देता है? जो ओपनिंग थी किसकी? फेरिंक्स और ट्रकिया की जो ओपनिंग थी एपिग्लॉटिस, उसको क्या कर देता है? क्लोज कर देता, मतलब वो ग्लॉटिस को क्लोज कर दिया. जब ग्लॉटिस क्लोज हो गया तो ट्रकिया खुलेगा क्या? बिल्कुल नहीं. ट्रकिया खुलेगा नहीं तो विंडपाइप आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा तो ब्रोंकिया ब्रोंकियोल्स वगैरह नहीं बनेंगे. मींस ये जो ओपनिंग थी इसको क्या कर दिया? इसने क्लोज कर दिया. अब इसी के बाद में अपर पार्ट में क्या आ गया? चर्निंग वाला फूड. अब ये साइड से कहां चले जाएगा? लोअर पार्ट में. लोअर पार्ट मीन्स कौन सा वाला? ऑरोफेरिंक्स. अब ये पाइप ही बंद हो गया तो पाइप में कुछ आएगा ही नहीं, तो ये चर्निंग मूवमेंट में कुछ आ ही नहीं रहा है. मीन्स यहाँ पे क्या नहीं आ रहा? फूड नहीं आ रहा. अगर यहाँ पे फूड आ गया रहता गलती से, अगर यहाँ पे फूड आ गया रहता तो क्या हो गया रहता गाइस? ये पूरा विंड पाइप पूरा का पूरा जम गया रहता, जिसके कारण यहाँ से हवा नहीं निकल रही और रेस्पिरेटरी अटैक आ गया था. तो यहाँ से अपर वाले पार्ट से लोअर वाले पार्ट में बराबर क्या आ गया? सीधा सिंपल सा आपको याद रखना है कि ये पार्ट में भी क्या आ गया है? फूड आ गया है. फूड आने के बाद में हाँ ऑरोफेरिंक्स में आया. ऑरोफेरिंक्स मींस किसका? लोअर पार्ट ऑफ फेरिंक्स. हम लोग अच्छे से एक बार शॉर्ट में देखते चलो. सबसे पहले मैंने आपको बताया फेरिंक्स के दो पार्ट, एक अपर पार्ट और दूसरा बताया मैंने आपको लोअर पार्ट. अपर पार्ट को क्या बोला जाता है? ट्रकिया. अपर पार्ट को क्या बोला जाता है? ट्रकिया. एंड लोअर पार्ट को क्या बोला जाता है? ऑरोफेरिंक्स. ये दो पार्ट. इसी के बाद मैंने आपको बताया ट्रकिया क्या कैरी करता है. ट्रकिया को बोला था विंड पाइप मींस एयर, और उसी के बाद में ऑरोफेरिंक्स क्या कैरी करने वाला है? फूड. मैंने एक चीज आपको और बताया फेरिंक्स क्या है. फेरिंक्स इज अ एंट्री फॉर फूड एज वेल एज एयर. तो अपर पार्ट को बोला आपने ट्रकिया, देन लोअर पार्ट को आपने बोला कौन सा ला जिसको बोल रहे हैं फूड के लिए, और ऑरोफेरिंक्स. देन फेरिंक्स और ट्रकिया दोनों के बीच में जो ओपनिंग थी, अगर मैं बात कर रहा हूं अगर ये हमारा सपोज करके चलो फेरिंक्स, ये अपर पार्ट, ये जैसे यहां से अपर पार्ट जा रहा है सपोज करके चलो, देन इसी के बाद में हमारा है लोअर पार्ट ठीक है. डायग्रामेटिकली मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता रहा ऐसा ही, ये लोअर पार्ट. इसी के बाद में हमने बताया फेरिंक्स ओपनिंग ट्रकिया ठीक है. तो ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग को क्या बोला गया? हमने अभी एक मिनट पहले हमने ओपनिंग को बताया ग्लॉटिस. क्या बोला इस ओपनिंग को? ग्लॉटिस. इसी के बाद में जो ओपनिंग है इसके ऊपर में कार्टिलेजिनस फ्लैप है. एपिग्लॉटिस इज गार्डेड बाय, हमने बताया एपिग्लॉटिस गार्डेड किससे है? कार्टिलेजिनस फ्लैप से, जिसको क्या बोला गया है? एपिग्लॉटिस. क्या बोला गया है? एपिग्लॉटिस. यहां तक के सभी को क्लियर हो गया. अभी क्या हो रहा है? फूड और एयर आ रहा है और यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गई माउथ में. कौन सी वाली? एग्लूटिनेशन आए थे, जैसे एग्लूटिनेट्स आए थे उसी के बाद में प्रोसेस चालू हो गई. कौन सी? डी एग्लूटिनेशन. डी एग्लूटिनेशन मीन्स के चर्निंग मूवमेंट हो रहा है, जिसके कारण जो टुकड़े हैं, ये हमारा एक रोटी का टुकड़ा था, ये अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं और ये फेरिंक्स के पास है. तो उसके बाद में जो एपिग्लॉटिस है कार्टिलेजिनस फ्लैप, ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ये अपने आप को क्लोज कर देता है. क्यों क्लोज करता है? अगर ये फूड पार्टिकल इसके पास आ गया तो विंड पाइप पूरा का पूरा क्या होगा? जाम होगा, जिसके कारण रेस्पिरेटरी क्या आएगा? अटैक आएगा. तो जिसके कारण एपिग्लॉटिस ने क्लोज किया और यहां से फूड मटेरियल नीचे आया, जिसमें ऑरोफेरिंक्स. लोअर वाला पार्ट कौन सा था? ऑरोफेरिंक्स.
तो ये लोअर वाला पार्ट ऑरोफेरिंक्स का है, और ऑरोफेरिंक्स में कहा जाएगा ईसोफेगस में, कहा जाएगा ईसोफेगस में। और इसके बाद में ऑरोफेगस और ईसोफेगस के लिए जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग को आपने क्या बोला गया है, इस ओपनिंग को बोला है गलेट। क्या बोला गया है, गलेट ओपनिंग, गलेट सेल्स ओपनिंग। तो ये ओपनिंग को आपने बोला गलेट, ऑरोफेगस ओपनिंग, ईसोफेगस बाय ओपनिंग, गलेट। तो ये रिप्रेजेंटेशन गाइस अच्छे से याद रखो, किसका, फेरिंग्स का। लास्ट हमारा फिफ्थ टॉपिक है जिसको बोल रहे हैं हम ईसोफेगस। हाँ, इसको लास्ट पॉइंट हमारे पास में ईसोफेगस। ईसोफेगस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ईसोफेगस लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है बिहाइंड ट्रकिया जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसी के बाद में अच्छे से पॉइंट याद रखेंगे, इसके पास में म्यूकस सेल का सिक्रीशन होता है। तो ईसोफेगस इज लाइन बाय म्यूकस सेल। सबसे काम की लास्ट वाली लाइन अच्छे से पढ़ लो ये। पोस्टीरियरली इट इज पासेस थ्रू नेक, थोरैक्स एंड डायाफ्राम व्हिच इज ओपन इनटू अ जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टमक। तो ईसोफेगस कहां पे ओपन होता है, जे शेप स्ट्रक्चर नोन एज स्टमक, किसके थ्रू होता है, याद रखना, डायाफ्राम के थ्रू। तो यहां पे देखिए हमारे पास में हमारा ईसोफेगस के बारे में दिया हुआ है। तो ये हमने पूरा का पूरा आज के जो लेक्चर में हमने किसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया, एलिमेंट्री कैनल में फर्स्ट हमने पूरा बकल कैविटी और ईसोफेगस वगैरह सब देखिए। फर्स्ट देखिए अपने माउथ, दूसरा टीथ, टंग, देन फेरिंग्स और लास्ट ईसोफेगस। इसी के नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टमक और स्टमक के जो चारों पार्ट है, फंडस, पाइलोरिक, बॉडी, सब हम डिस्कस करेंगे। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकेंड लेक्चर था। फर्स्ट लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसी के हम थर्ड लेक्चर बनाएंगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसमें हम रिमेनिंग पार्ट्स कवर करेंगे। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट लेक्चर